इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेंस टू हंड्रेड्स। टेंस क्या होते हैं? कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, मिसाल के तौर पे 2/10, तो इसको हम कहेंगे 2 tens। और हंड्रेड्स क्या है? जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, मिसाल के तौर पे 5/100, तो ये क्या है? 5 hundredths। तो आज हमने सीखना है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर 10 हो तो उसके डिनोमिनेटर को 100 कैसे बनाते हैं। एक मिसाल के ज़रिए से इस तरीके को समझते हैं। फ्रैक्शन है 1/10 और इसको हमने क्या करना है? कन्वर्ट करना है हंड्रेड्स में, यानी इस 10 को 100 बनाना है। तो इसको हम कैसे 100 बना सकते हैं? इसके लिए हम सोच सकते हैं, यहाँ रफ में करती हूँ, कि जो डिनोमिनेटर 10 है इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई बाई किस से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 100 के इक्वल आ जाए। तो हमें ये वाला नंबर देखना है। तो 10 को किस से मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 100 आएगा। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर को मैंने 100 बनाना है तो डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करना है। यह है डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमरेटर में है 1। तो डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ ताकि ये 100 बन जाए, मल्टीप्लाई बाई 10। और इसका मतलब न्यूमरेटर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी से न्यूमरेटर को भी करते हैं। अब इसको हल करें, 1 × 10 10 आ जाएगा और 10 × 10 क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी दोनों अगर इसको सिंपलीफाई करें तो दोबारा से हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए इन दोनों को कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एक जैसे फ्रैक्शन है। तो 1/10 इज इक्वल टू 10/100। हमने 10 को 100 बनाना था, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम देखें तो पहले हमारे पास था डिनोमिनेटर 10, यानी उसमें एक ज़ीरो था। तो जब हमने इसको 100 बनाया तो क्या किया है? इसमें एक ज़ीरो का इजाफा किया, जिसकी वजह से वो 100 बन गया। तो इसी तरह सेम हमने न्यूमरेटर में भी किया, पहले कोई भी ज़ीरो नहीं था, अब हमने एक ज़ीरो का इजाफा किया तो वो बन गया 10। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझा कि अगर मैंने 10 को 100 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा? डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एक एक ज़ीरो का इजाफा राइट साइड पे करना होगा, यानी जो भी नंबर दिया हुआ है उसके राइट साइड पे एक एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे। एक और मिसाल ले लेते हैं। ये फ्रैक्शन है 7/10, ये टेंस में है, इसको हम पढ़ेंगे 7 tens। तो इसको हमने हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे? 7/10। तो अभी हमने देखा था कि अगर मैंने 10 को 100 बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके राइट साइड पे एक ज़ीरो का इजाफा करना होगा, तो ये 10 बन जाएगा 100। जब इसके राइट साइड पे एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे तो न्यूमरेटर के भी राइट साइड पे एक ज़ीरो का इजाफा करेंगे, तो 7/10 क्या बन गया? 70/100। तो 7/10 इज इक्वल टू, बराबर है 70/100 के। अब ये एक एक ज़ीरो का क्यों इजाफा हुआ है? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 10 से या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे 7/10 है, उसको जब हमने हंड्रेड्स बनाना है तो इसका मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है? जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो उस नंबर के आगे सिर्फ एक ज़ीरो का इजाफा होगा, इसलिए 7 बन गया 70
और 10 बन गया 100। एक और मिसाल देख लेते हैं, ये है 28/10। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको भी हमने क्या करना है, हंड्रेड्स बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के राइट साइड पे एक एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे, तो 28 बन जाएगा 280 और 10 बन जाएगा 100। तो इसका मतलब 28/10 किसके इक्वल आया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 280/100 के। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसको अगर सिंप्लीफाई करें तो वो ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन के बराबर आता है। तो 28/10 इज़ इक्वल टू 280/100। तो जब भी आपने टेंस को हंड्रेड्स बनाना है तो राइट साइड पे सिर्फ एक ज़ीरो का इजाफा करना है। अब एक एक्सरसाइज करते हैं, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमने इनमें क्या करना है, इस लेफ़्ट साइड पे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनको इनके राइट साइड वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ मैच करना है। सबसे पहला फ्रैक्शन है 5/10, तो यहाँ पे देखते हैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 50/100, क्योंकि 5/10 के आगे एक एक ज़ीरो बढ़ा दिया है जिसकी वजह से ये बन गया 50/100। तो हम इसको मैच करेंगे इसके साथ, और इसी तरह से नेक्स्ट है 7/10। तो 7/10 के लिए कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, यह है 110/100 और है 70/100। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, 70/100 होगा। और इसी तरह से लास्ट में है 11/10, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा, 110/100। तो आज हमने सीखा कन्वर्जन ऑफ टेंस एंड टू हंड्रेड्स के बारे में।